हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पार्थ शिक्षा। दोस्तों, आज हम जर्नल एंट्रीज करेंगे। किसका? एक्सपेंसेस का। एक्सपेंसेस का थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, एक्सपेंसेस बहुत टाइप के होते हैं, तो इसीलिए एक्सपेंसेस का मैं दो लेक्चर लेके आ रहा हूँ। यानी जर्नल एंट्री जो मैं करा रहा हूँ एक्सपेंसेस से रिलेटेड, वो मैं दो पार्ट, यानी कि इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस पार्ट वन। यानी कि आज के लेक्चर में भी हम जर्नल एंट्री एक्सपेंसेस का ही करेंगे, और जो अगला आने वाला लेक्चर है उसमें भी हम जर्नल एंट्रीज करेंगे। किसका? सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंसेस का, क्योंकि एक्सपेंसेस बहुत घुमाता है, स्टूडेंट को बहुत परेशान करता है। क्योंकि जर्नल एंट्रीज का मैं ऑलरेडी फॉर्मेट आपको बता चुका हूं कि जर्नल एंट्री का फॉर्मेट कैसे होता है, तो आपको उसी फॉर्मेट में करना है एंट्री। मेन खेल है, पिछले दो लेक्चर में मैंने जर्नल एंट्रीज फॉर्मेट के साथ कराया, अब आगे जितने भी लेक्चर होंगे मैं सिर्फ एंट्रीज आपको कराऊंगा, क्योंकि आपको तो एंट्री सीखना है। फॉर्मेट तो आपको बता चुका हूं, फॉर्मेट में कुछ रखा नहीं है, ठीक है ना? तो ठीक है, आज हम सिर्फ जर्नल एंट्रीज करते हैं। आज ही मैंने एक्सपेंसेस से रिलेटेड 10 ट्रांजेक्शन से लिखे हैं, और इस 10 ट्रांजेक्शन को कोशिश करेंगे कि 10 मिनट से के अंदर में ये 10 क्वेश्चन हम आसानी से इसकी एंट्रीज कर ले, ठीक है ना? तो फटाफट देखिए, एक्सपेंसेस का मैंने दो लेक्चर क्यों लिया है, क्योंकि देखिए एक्सपेंसेस 5 तरह के होते हैं। पहला, एक्सपेंसेस का मतलब क्या है? जिसका मैं बेनिफिट ले चुका हूं। तो या तो एक्सपेंसेस, अगर मैंने बेनिफिट ले लिया है तो एक्सपेंसेस का पेमेंट कर दूंगा, या फिर पेमेंट नहीं करूंगा। व्हेन एक्सपेंसेस इज नॉट पेड, जिसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहते हैं, मीनिंग ऑलरेडी बता चुका हूं। व्हेन एक्सपेंसेस इज पेड इन एडवांस, यानी कि अभी बेनिफिट मिला नहीं है, हमने कोई चीज का सर्विस लिया नहीं है, बेनिफिट नहीं मिला, बट पेमेंट कर दिया एडवांस में, कल गोलगप्पे खाने हैं उसके लिए आज ही पेमेंट कर दिया, तो पेमेंट इन एडवांस। व्हेन आउटस्टैंडिंग, अब मैंने यहाँ गोलगप्पे खा लिए थे बट उसका पेमेंट नहीं किया था, तो कभी ना कभी तो पेमेंट करना पड़ेगा ना, तो ये आउटस्टैंडिंग, जब यहाँ पे हमने गोलगप्पे खा लिया उसका पेमेंट बाद में करते हैं तो क्या होगा? और अगर हमने गोलगप्पे खाने से पहले अगर हमने एडवांस दे दिए हैं, तो वो एडवांस का फ्यूचर में जब गोलगप्पे खाएंगे तब एंट्री क्या होगा? तो ये 5 सिचुएशन है। आज का जो लेक्चर है सिर्फ और सिर्फ इस पे होने वाला है, व्हेन एक्सपेंसेस पेड, यानी कि हमने गोलगप्पे खा लिए, बेनिफिट ले लिए और उसका पेमेंट भी कर दिए, तो क्या एंट्री होगा? तो ये 10 तरह के अलग अलग एक्सपेंसेस है, इसका मैं फटाफट मैं बता रहा हूँ आपको एंट्री। सबसे पहला तो दिख रहा होगा परचेज गुड्स फॉर रुपीज 10,000। सर, ये तो हम पहले ही लेक्चर में परचेज का ट्रीटमेंट हमने सीख लिया था। हाँ जी, सीख लिया, नीचे भी परचेज लिखा हुआ है, तो इसलिए इस परचेज और इस परचेज में कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने दोबारा से लिया है। देखिए, मैंने क्या बताया था कि परचेज अगर गुड्स करते हैं परचेज, तो वो हम गुड्स खरीदना हम एक्सपेंस मानते हैं। क्या मानते हैं? एक्सपेंस मानते हैं, जो कि ट्रीटमेंट ऑलरेडी मैं बता चुका हूं पहले लेक्चर में। अब आगे के बाकी 9, तो देखिए जब भी हम कुछ एक्सपेंसेस होता है तो एक्सपेंसेस के लिए क्या रूल है? नॉमिनल अकाउंट का, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो यहां पे क्योंकि एक्सपेंस की बात कर रहे हैं, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो गुड्स खरीदना भी हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है दोस्तों। तो गुड्स खरीदना अगर हमारे लिए एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस डेबिट होगा। क्यों एक्सपेंस है? क्योंकि इससे हमने बेनिफिट ले लिया, इसको बेचना है, बेच के तो पैसा कमाना है ना, तो इसका मतलब इसको भी हम एक्सपेंस मानते हैं, इसको हम एसेट्स नहीं मानते हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। उस एक्सपेंस का नाम, क्योंकि हमेशा एक्सपेंस का नाम तो होना चाहिए ना, तो नाम क्या लिखे? गुड्स तो लिख नहीं सकते, तो हमने लिखा था कि परचेजेस अकाउंट डेबिट। क्या हमने लिखना सीखा? परचेजेस अकाउंट डेबिट। 2, अब गुड्स खरीदे हैं, पेमेंट तो किए होंगे ना, तो 2 कैश अकाउंट, पेमेंट कैसे होगा? क्वेश्चन साइलेंट है, तो हमने क्या सीखा था? क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो तो हमने कैश में पेमेंट किया होगा। किसमें? कैश में, क्योंकि हर ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं। एक इफेक्ट तो आपका ये एक्सपेंस है, तो सिंपल सा मतलब है कि नॉमिनल नेचर के अकाउंट में जाएगा, यानी कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सारे के सारे में एक्सपेंस है तो एक्सपेंस डेबिट होगा। तो क्रेडिट भी तो कुछ होगा, क्योंकि हमें मालूम है कि हर ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं, तो एक डेबिट तो दूसरा क्रेडिट, क्या में ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है। तो क्योंकि नॉमिनल में हम इनकम की तो बात ही नहीं, एक्सपेंस है तो ये और बाकी इनमें से कुछ होगा, तो यहाँ पे कैश जा रहा है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो चीज जाती है उसे क्रेडिट करो, कैश चला गया। हाँ जी, दूसरा एंट्री,
ध्यान से देखिए, परचेज स्टेशनरी। सर यहाँ पे हमने क्या खरीदा, नाम दे रखा है, तो स्टेशनरी को हम क्या स्टेशनरी लिखते नहीं, क्योंकि स्टेशनरी भी जो है हम कंज्यूम के पर्पज से लाते, कंजम्पशन के पर्पज से, और जो चीज़ भी हम कंजम्पशन के पर्पज से लाते हैं यानी कि बिजनेस को ऑपरेट करने में, वो मेरा एक्सपेंस है। और अगर बिजनेस में यूज करने के पर्पज से लाते हैं जिससे हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, वो मेरे लिए एसेट्स है। तो स्टेशनरी को हम एज अ कंज्यूमेबल आइटम कंजम्पशन मानेंगे यानी कि एक्सपेंस मानेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे दोस्तों, एक्सपेंस का नाम है ना, तो जब भी कोई एक्सपेंस का नाम होगा तो नाम लिख देंगे स्टेशनरी अकाउंट डेबिट। यहाँ पे परचेज नहीं लिखेंगे, परचेज एक ही शर्त पे डेबिट करेंगे जब हमने गुड्स खरीदा। अगर गुड्स के अलावा कोई भी चीज खरीदा कंजम्पशन पर्पज से, तो मेरा एक्सपेंस है, चाहे वो स्टेशनरी हो चाहे पोस्टेज स्टैम्प हो। ठीक है, हाँ सर, तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू कुछ नहीं लिखा है, लिखा है 2000 इन कैश। यहाँ पे हमने 10000 रुपये का खरीदा है गुड्स, और यहाँ पे कितना रुपये का स्टेशनरी खरीदा है, 2000 रुपये का, कुछ नहीं लिखा है, तो इसका मतलब कैश अकाउंट क्या होगा दोस्तों, कैश अकाउंट। अगला देखिए, पेड फॉर, पेड नाम ही है पोस्टेज स्टैम्प के लिए, तो इसका मतलब हमने क्या खरीदा है, पोस्टेज स्टैम्प। इसके लिए दो तरह से रूल अप्लाई हो रहा है कि देखिए, स्टेशनरी खरीदा तो स्टेशनरी एक सामान है, तो डेबिट वर्ड कम सी, जो चीज आती है उसको डेबिट करो। आप ऐसे भी समझ सकते हो, अगर आपको एक्सपेंस समझने में दिक्कत हो रहा है तो स्टेशनरी हो गया या पोस्टेज स्टैम्प, आप बोलोगे कि सर यूज करने के पर्पज से लाते हैं तो एसेट्स होता है, तो अगर एसेट्स की तरह भी ट्रीट करते हो तो भी आपके लिए क्या रूल होगा, डेबिट वर्ड कम सी, जो चीज आती है उसे डेबिट करो। ठीक है ना, बट हम इसको एक्सपेंस ही मानते हैं। आप सामान मानना चाहो एंट्री सीखने के लिए तो आप सामान मान सकते हो, तो सामान का नाम लिख दो, सामान ही तो है, लिख दो डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज आती है उसे डेबिट करो। तो पोस्टेज इस टाइम हमारे पास आया तो डेबिट कर दिया, और पेमेंट कर दिया तो टू कैश अकाउंट। अमाउंट तो आप भर लेंगे यहाँ पे सब जगह, जो अमाउंट है वो लिख देंगे, मैं सिर्फ एंट्री आपको समझा देता हूँ। तीन, चौथे नंबर पे सैलरी, सैलरी चाहे मैं इंप्लॉई को दूं, चाहे क्लर्क, क्लर्क या मैनेजर किसी को दूं, सब एक ही ट्रीट किया जाएगा, मेरे लिए एक्सपेंस है। क्या है मेरे लिए एक्सपेंस है, और उस एक्सपेंस का नाम है सैलरी, क्योंकि मैंने लोगों को, इंप्लॉय को क्या दिया है, सैलरी दिया है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सभी प्रकार के खर्चों को डेबिट करो, तो उस खर्चे का नाम क्या है यहाँ पे, सैलरीज है, तो सैलरीज अकाउंट डेबिट। देखो व्हेन एक्सपेंसेस पेड, ये सारे में हम एक्सपेंस पे करते जा रहे हैं ना, तो जैसे पे करते जा रहे हैं तो सब में टू कैश आएगा, सब में क्रेडिट वर्ड गोज आउट में कैश जाएगा 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 जाएगा, तो टू कैश। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर पे पेड वेजेस, अब सैलरी दो वेजेस दो, अब सैलरी और वेजेस में क्या अंतर है, सर हम जो इंप्लॉय को देते हैं वो सैलरी, वेजेस वर्करों को, सर वेजेस वर्कर कुछ समझ में नहीं आया। देखिए जो इसका यूज करके जो पैसा कमाते हैं ना, इसका यानी इसका एक स्किल का, एक प्रोफेशनल स्किल क्वालिफिकेशन, मतलब कोई भी काम करने के लिए आपको अगर क्वालिफिकेशन की जरूरत है, इससे अगर पैसा कमाते हो तो वो उसको जो बदले में जो पेमेंट करते हैं वो सैलरीज कहलाता है। और जिसके लिए इसकी जरूरत नहीं है, इसका बोले तो जिसके लिए कोई स्पेसिफिक नॉलेज की जरूरत नहीं है, जिसके लिए किसी स्पेसिफिक नॉलेज की जरूरत नहीं है और हम काम करवाते हैं उसको, जो हम पेमेंट करते हैं उसको वेजेस कह सकते हैं। जैसे कि मजदूर लोग होते हैं, तो मजदूर लोगों को कोई एक्स्ट्रा नॉलेज की तो जरूरत नहीं है ना, ये तो नहीं कहोगे भाई तू ग्रेजुएट होगा तभी मैं तेरे को जॉब में रखूंगा, ऐसा होता क्या, नहीं, तो उसको जो पेमेंट करते हैं वेजेस है तो एक्सपेंस ना, किसी को भी दे, वर्कर को दो एम्प्लॉय को दो, तो यहाँ पे एक्सपेंस का नाम क्या है दोस्तों, वेजेस। तो वेजेस अकाउंट डेबिट, पेड लिखा है ना, तो इसका मतलब पेमेंट हो गया है टू कैश अकाउंट, कमाल है ना। सिक्स नंबर पे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट किया है, तो एक्सपेंस है ना, खर्चे, इसका बेनिफिट हमने ले लिया है, तो इसका मतलब एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट होगा, और एक्सपेंस का नाम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कमाल है ना। नेक्स्ट नंबर पे देखते हैं सात नंबर पे टेलीफोन बिल, टेलीफोन का बिल हमने पेमेंट किया है भैया, तो टेलीफोन का खर्चा ये भी तो एक्सपेंस है ना, सर्विस ले लिए हैं, तो इस एक्सपेंस का नाम होगा टेलीफोन एक्सपेंसेस।
अकाउंट डेबिट टू पेमेंट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट। कमाल है, 7 तक हो गया है। अब 8 पे क्या है, पेड इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन लेते हैं बिजनेस करने के लिए तो लोन पे इंटरेस्ट मेरे लिए क्या है, एक्सपेंसेज है, वेस्ट ऑफ मनी है। एक्सपेंस का मतलब ऐसे भी कह सकते हो, वेस्ट ऑफ मनी, पैसा बेकार जा रहा है। मतलब कि भाई अब एक बात बताइए, अभी रेंट का है तो वहाँ पे मैं बताता हूँ इंटरेस्ट। लोन लिए है मुझे, मान के चलो 1 लाख रुपए का मैंने लोन लिया, अब लोन पे इंटरेस्ट 10,000 रुपये तो फालतू का गया ना, बट क्योंकि उसका बेनिफिट लोन मुझे मिला 1 लाख रुपए का, उसका बेनिफिट मिला तो बदले में मैं 10,000 रुपये मैंने पेमेंट किया, तो बेनिफिट के बदले में तो पेमेंट करना पड़ेगा, खर्चा एक्सपेंस है। तो उस एक्सपेंस का नाम क्या है यहाँ पे, इंटरेस्ट है। जो भी एक्सपेंस का नाम होगा उसका नाम लिखेंगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, और क्योंकि पेमेंट हो गया है ना तो टू कैश अकाउंट। 9th नंबर पे क्या है, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ₹200। अब देखिए फर्म में कंपनी में बहुत सारे चीज़ों का इंश्योरेंस हो सकता है, बिल्डिंग का इंश्योरेंस हो सकता है, कोई सामान का इंश्योरेंस हो सकता है, कोई एसेट्स मशीनरी का इंश्योरेंस हो सकता है, तो किसी भी चीज़ का, चाहे फायर इंश्योरेंस का कि भाई कोई आग लग जाए तो उससे बचने के लिए, तो किसी भी तरह का अगर इंश्योरेंस करवाते हो तो इंश्योरेंस का पेमेंट तो वेस्ट ऑफ मनी है ना, है ना, खर्चा है ना, क्योंकि इंश्योरेंस अगर आग नहीं लगा कभी जिंदगी भर मान के चलो, और मैंने फायर इंश्योरेंस करवाया तो जो प्रीमियम दिया हो तो बेकार, कभी दोबारा वापस आने वाला है क्या, नहीं, तो एक्सपेंस है। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, तो उस एक्सपेंस का नाम क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर आपके आगे लिखा हुआ फायर तो लिख दोगे फायर इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, और पेमेंट करोगे तो टू कैश। अगर चेक के थ्रू पेमेंट करते हो तो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि चेक के थ्रू बैंक से जा रहा है तो क्रेडिट द गिवर, मेरा बैंक मेरे बिहाफ पे दे रहा पैसा, तो गिवर है ना, तो गिवर को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। 10th नंबर पे पेड रेंट ₹10,000, रेंट जो मैं बता रहा था। अब मैं इस रूम में 1 महीना रहने के लिए किराया दिया, अब 1 महीना रह लिया, मैंने क्या मिला, क्या ये बिल्डिंग मेरा हो गया, नहीं ना, तो इसका मतलब ये रहने के लिए दिया, इसका मतलब ये रेंट एक प्रकार से मेरे लिए वेस्ट ऑफ मनी है, मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस। जैसे गोलगप्पे खा लो पेट में चला गया, कल दोबारा खाओगे, तो एक प्रकार से क्या है, वेस्ट ऑफ मनी। क्या इससे कोई आप किसी चीज के ओनर बन गया क्या, नहीं बन गया ना, तो इसका मतलब वेस्ट ऑफ मनी है। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो इसका मतलब 10th नंबर पे क्या होगा, रेंट, खर्चे का नाम क्या है, रेंट, तो रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। पेमेंट पेड लिखा है ना, जैसे पेड लिखा है इसका मतलब पेमेंट हो चुका है टू कैश अकाउंट। कमाल है। तो दोस्तों आज हमने सिर्फ एक्सपेंस का बेसिक, यानी कि वो एक्सपेंसेस जो इनकर्ड हो चुके हैं और जिसका पेमेंट भी हमने कर दिया है, हमने 10 तरह के हमने सीख लिए हैं। अगला जो है वो इन चारों का ट्रीटमेंट हम सीखेंगे अगले पार्ट में, जिसमें एक्सपेंसेस का ही और कराएंगे, 10 से 11 और एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट होगा वो अगले लेक्चर में, इन चारों का हम सीखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए। तो इसी के साथ आज की मुलाकात हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर से एक नए लेक्चर में। थैंक यू सो मच।